ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि यह डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम हुआ, कई युवकों को आत्महत्या करनी पड़ी, कुपोषण और महिला उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन बना हुआ है। सरकार कुछ बड़े लोगों की सरकार बनकर रह गई है, जबकि समाज के कमजोर और पिछड़े और आदिवासियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश भर में महंगाई और बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ और मजबूत करें और संविधान और लोकतंत्र को बचाने में कांग्रेस का सहयोग करें। आप सबको मालूम है, फिर मैं रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें उन्होंने की हमने बताया, उन्होंने व्यापम घोटाला क्या सैंड का क्या किया और नौकरी देने का, ये सारी चीजें हमने बताई और उसी के ऊपर हम बोल रहे हैं कि वो जो वायदे किए थे वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए।